नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सारी ही सक्सेस स्टोरीज वैसे तो ब्यूटीफुल होती हैं। इन्होंने लिखा है, दी मेरा नाम मेंशन नहीं करना। नहीं करेंगे दी। मैं आपसे जर्नल ले चुकी थी नवंबर 2021 में, बटरफ्लाई किट की सक्सेस स्टोरी है। मेरा कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई थी, सब सोशल मीडिया से मैं निकल गई, अनइंस्टॉल कर दिया था मैंने सब कुछ। 2022 की बात है। मेरी सिस्टर ने बोला कि कुछ स्किन केयर ब्लॉगिंग के बारे में बात करना चाहती है। उससे मेरी बात हुई, मेरे एक दोस्त ने भी उस टॉपिक पे मुझसे बात की। मैंने उसी दिन रात को भी मैंने फ़ोन पर बात की कि कैसे किया, क्या प्रोसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस दिन रात में ही मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया। 8 मंथ जो मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ था इंस्टाग्राम पर कुछ भी। और उसी दिन मेरा अकाउंट मैंने पब्लिक किया। रातों रात प्रोडक्ट वगैरह भी मैंने करके अच्छे से अपलोड कर दिया, सब कुछ लिख दिया। उसके बाद पता है दी, मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। ब्रांड कोलैबोरेशन मिला, इंटरनेशनल कोरियन के साथ भी मिला। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैं बस जर्नल में प्रोडक्ट्स सब कुछ मिला है और सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होती थी। एक्चुअली मैं लिखने के बाद एकदम से ही भूल गई थी। आपका किट बहुत ज़्यादा ही मैजिक की तरीके से काम करता है। और ट्रिगर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, सच में वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अभी मैं कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत ही जल्द मैं आपको अपनी ड्रीम जॉब की सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगी। मुझे बिलीव है इस बार मेरा ये क्लियर हो ही जाएगा। और एक बात और है, वाटर अफर्मेशन करके मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए हैं। पीसीओडी भी अब मुझे नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को और सब कुछ करके देख लिया था, मैंने सबको दिखाया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। टैबलेट हर टाइम खाने के लिए ही बोलते थे, लेकिन जब से मैंने वाटर अफर्मेशन के साथ में साईं बाबा की उदी वाटर में मिक्स करके लेना शुरू कर दिया, उसके बाद से ही सब ठीक हो गया। और मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिखती थी। 2019 से अभी तक डॉक्टर्स के पास में मैं दोबारा नहीं गई हूँ। आप सच में बहुत सारे लोगों की मदद कर रही हैं। आपको देख करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। आप हमेशा ऐसे ही रहना दी। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट ऑलवेज। आई लव यू। इधर तक तो इनकी सक्सेस स्टोरी जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा हार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके नीचे उन्होंने जो लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ ही देती हूँ। इन्होंने लिखा है, दी मैंने जब स्टार्ट किया था स्किन केयर ब्लॉगिंग, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पहले से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। और जो भी मेरे नॉर्मल प्रोडक्ट थे वही से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पर। बट मैं एक बात बोलूंगी, यूनिवर्स सच मुझ में बहुत हेल्प करते हैं। आप सच में फोकस होकर के प्रोसेस को बस इम्पॉर्टेंट देना चाहिए। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, डेस्परेट नहीं होना चाहिए, बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट अपने आप ही सुपर्ब आ जाते हैं, ये मैंने भी फील किया है। लेकिन नवंबर से ही मैंने ये स्टार्ट किया था। बटरफ्लाई किट 2021 में मुझे फरवरी में ही मिल गई थी। ब्रांड कोलैबोरेशन मुझे 2022 में मिले हैं। और आपकी किट बहुत अमेजिंग है। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। ये लाइन गूज बम देती है। और आप सेल्फ लव की एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके। सेल्फ लव तो वैसे भी मैं रोज ही शेयर करती रहती हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ में बताती रहती हूँ। सेल्फ लव अपने आप से बहुत सारा प्यार किया करो। देखिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा ना ऐसे ऑर्डर वाइज नहीं लिखा कि इन्होंने कब क्या लिखा था और कैसे क्या किया था, लेकिन जहाँ तक मुझे इनको समझ में आया है, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में ना ट्रिगर्स आते हैं। जब आप कोई बटरफ्लाई किट लेते हैं तो आपको पता होगा, जिन्होंने ली होगी उनको आई एम श्योर पता ही होगा कि वहाँ पे बीच बीच में ना ट्रिगर्स आते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे रिलेटेड ही लिखी होती हैं। आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड वो कुछ पर्सनल होती हैं जो लिखी होती हैं, और आप उसको फील करते हैं, आप उसी चीज़ के साथ में इंजॉय करते हुए फिर अपनी विश को लिखते हैं। तो वो बेसिकली आपको थोड़ा सा बूस्ट कर देती है, हेल्प कर देती है, ठीक है। उसको लेने की वैसे कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। आपके पास जो भी जर्नल है
आप उसमें भी ऐसा कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव होकर के अपनी अफर्मेशन को लिखिए, ठीक है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था। उसके बाद में इन्होंने 8 महीने के बाद में अपना इंस्टाग्राम वापस से इंस्टॉल किया, उस अकाउंट को पब्लिक किया और फिर ये ब्लॉग बनाने लग गए वहां पर, जो कि इनकी फ्रेंड ने इनको आइडिया दिया था। इसे बोलते हैं हम इंस्पायर्ड एक्शंस, यानी कि उस टॉपिक पर ये लिख करके भूल चुके थे। उसके बाद अचानक से इनकी फ्रेंड इनसे बात करती है, फिर रात को ये अपने दूसरे फ्रेंड से बात करते हैं, कुछ ब्रांड्स के बारे में बात होती है और उससे रिलेटेड ये अपना इंस्टाग्राम अभी वापस ओपन करते हैं। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अनइंस्टॉल कर दिया था, आज पब्लिक किया, ब्लॉग डाला और ब्रांड कोलैबोरेशन आने शुरू हो गए। वो जो अकाउंट था वो ग्रो करना शुरू कर चुका है, इनका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो चुका है। सो ग्रेट। इसके बीच में अगर मैं कुछ पॉइंट्स दे दूं आप लोगों को, तो आप अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में ग्रेटफुल होना लिख सकते हैं, कोई टेक्निक कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर करके नहीं लिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को आइडिया दे दूँ। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और करके बस भूल जाइए, छोड़ दीजिए एंड देन उसके बाद देखिए कि आपके सामने कैसी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद जो आएंगी ना चीज़ें उन्हें मत छोड़िएगा, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा और एक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रास्ता मिल जाएगा। अपना ना रखिए ख्याल, अपने सारा प्यार, ताकि पे ट्रैक करें, सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।